हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो टीम इंडिया को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये दोस्तों बता दें कि टीम इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस किया है, ऐसे में अब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। और बता दें कि इसी से खबर जुड़ा हुआ है, बात करें भारत और अफगानिस्तान का जो मुकाबला है वह 11 अक्टूबर को खेला जाएगा और यह मुकाबला जो कि नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। और बता दें इसके लेकर टीम इंडिया चेन्नई से अब दिल्ली पहुंच चुकी है। बता दें कि टीम इंडिया आज प्रैक्टिस नहीं करेगी लेकिन कल जमकर प्रैक्टिस करने वाली है टीम इंडिया अफगानिस्तान के मुकाबले को लेकर। बात करें इसमें हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है विराट कोहली बनाम नवीन उल हक के बीच में। बता दें कि विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो वहीं बता दें कि नवीन उल हक का उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन बता दें कि अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आए थे इससे पहले वाला मुकाबले में। ऐसे ज्यादा उम्मीद है भारत के खिलाफ भी मुकाबले में नवीन उल हक खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसे में विराट कोहली के सामने आएंगे तो उस वक्त अलग ही मजा होगा, स्पेशली जब नई दिल्ली जो कि बता दें कि विराट कोहली के होम वहीं से पले बड़े हैं, ऐसे में और जमकर मुकाबला होने वाला है और दर्शक का जो सपोर्ट होगा विराट कोहली का वह अनबिलीवेबल होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब टीम इंडिया भिड़ेगी अफगानिस्तान से और स्पेशली जब भिड़ेंगे विराट कोहली नवीन उल हक से, तो कौन जीतेगा यह महामुकाबला, टीम इंडिया या फिर अफगानिस्तान, हमें जरूर बताएं। इससे पहले बता दें कि टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप 2019 में भिड़ी थी तो उस वक्त भी बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी के कमाल गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया वह मुकाबला जीत गया था। ऐसे में इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पूरा उम्मीद है कि टीम इंडिया एक तरफा तरीके से पीटेगी अफगानिस्तान को, क्योंकि टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा और अफगानिस्तान जैसी टीम को ही पीट कर नेट रन रेट बेहतर हो सकता है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि टीम इंडिया जीतेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।